स्ट्रेट ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमने इन दोनों की हेल्प से एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी लिख दिया। तो ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो भी यहाँ पे प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी किस तरह से होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो ए सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो बी सेट का होता है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ए बराबर 1, 2 है और बी बराबर 3, 4 है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर पहला एलिमेंट जो होगा ए का होगा तो 1, दूसरा एलिमेंट इसका लिख दिया 3, अब फिर 1 और इसको 4 और इसको 2 एंड 4। तो इसे ए क्रॉस बी को हमने डिफाइन कर दिया है। अब बी क्रॉस ए को अगर हमें डिफाइन करना है तो बी क्रॉस ए को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला एलिमेंट बी का होगा तो 3, दूसरा एलिमेंट ए का होगा 1, इसी तरह 4, 1, 4, 1, 3, 2, तो 3, 2, 4, 2, 4, 2। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्लियरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है जो इक्वल नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट होता तो उस कंडीशन में इसमें भी कॉमन एलिमेंट होते, और अगर ये दोनों सेट इक्वल होते तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल होते। तो अब यहाँ से हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सेट में काम आती है उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स। इफ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू